हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वर्ष 2020 के लिए कौन बन चुके हैं, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट किसका है, कहने का मतलब ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो फोर्ब्स के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ब्स अमेरिका की पत्रिका है, तो फोर्ब्स के द्वारा ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की घोषणा यानी कि सूची को तैयार किया गया है। मुकेश अंबानी का स्थान क्या है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट कहना चाहेंगे कि आप इन सभी बातों को डिटेल में जानने के लिए फोर्ब्स की वेबसाइट पर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाएं फोर्ब्स की रिच लिस्ट को देखते हैं। यहां पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में टॉप पर कौन है। तो टॉप पर हैं जेफ बेजोस। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, और ये लगातार तीसरी बार फोर्ब्स के रिच लिस्ट में टॉप पर हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्ष 2020 के लिए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति घोषित कर दिए गए हैं फोर्ब्स के द्वारा। कौन, तो जेफ बेजोस। और दूसरे स्थान की बात करें तो बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं। इनकी कुल आमदनी है 98 बिलियन डॉलर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, तो इनकी कुल आमदनी 98 बिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन पहले स्थान पर कौन है, जेफ बेजोस। इनकी कुल आमदनी है 113 बिलियन डॉलर और ये अमेजन के संस्थापक हैं। ये तो पुरुषों की बात है, लेकिन यदि हम महिलाओं की बात करें कि महिलाओं में टॉप पर कौन है फोर्ब्स की रिच लिस्ट में, तो एलिस वॉल्टन। एलिस वॉल्टन, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, कौन, तो सैम वॉल्टन, इनकी बेटी हैं। इनकी यदि हम बात करें कि नेट वर्थ यानी कि कुल आमदनी कितनी है, तो 54.4 बिलियन डॉलर और ये यूएस से हैं। और भी कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें करना चाहेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स के रिच लिस्ट में कौन कौन भारतीय शामिल हैं। तो हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की, जो कि 21वें स्थान पर हैं और भारत में ये पहले स्थान पर ये बन चुके हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया में 21वें स्थान पर अमीर हैं, लेकिन भारत में पहले स्थान पर ये अमीर व्यक्ति बन चुके हैं मुकेश अंबानी। इनकी कुल आमदनी की बात करें तो 36.8 अरब डॉलर है, यानी कि 36.8 बिलियन डॉलर है इनकी कुल आमदनी। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो हैं रिलायंस के चेयरमैन हैं। हम वही दूसरे भारतीयों को बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में दूसरे भारतीय कौन हैं, तो राधा कृष्ण दमानी। और ये रहे राधा कृष्ण दमानी, इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो 13.8 अरब डॉलर है और ये शेयर बाजार कारोबारी हैं और डीमार्ट के संस्थापक हैं राधा कृष्ण दमानी। और वही बात करें कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में ये कौन से स्थान पर हैं, तो 78वें स्थान पर हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में तीसरे भारतीय कौन हैं, तो तीसरे भारतीय हैं हिंदुजा ब्रदर्स। इनकी कुल आमदनी है 12.9 अरब डॉलर। वही यदि हम बात करें कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में ये कौन से स्थान पर हैं, तो 91वें स्थान पर हैं। और भारत की बात की जाए कि भारत की सूची में ये कौन से स्थान पर हैं, तो तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में चौथे भारतीय कौन हैं, तो चौथे भारतीय हैं शिव नाडर और ये रहे शिव नाडर। इनकी कुल आमदनी है 10.4 अरब डॉलर और ये HCL के संस्थापक हैं। यदि हम बात करें कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में ये कौन से स्थान पर हैं, तो 103वें स्थान पर हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में पाँचवें स्थान पर कौन भारतीय हैं, तो उदय कोटक और ये रहे उदय कोटक। इनकी कुल आमदनी है 10.4 अरब डॉलर और ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD हैं। और वही बात करें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में ये कौन से स्थान पर हैं, तो ये 129वें स्थान पर हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि फोर्ब्स की रिच लिस्ट में छठे भारतीय कौन हैं, तो छठे भारतीय हैं सुनील भारती मित्तल। इनकी कुल आमदनी है 8.8 अरब डॉलर और ये भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें कि सुनील भारती मित्तल
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में ये कौन से स्थान पर हैं, तो 197वें स्थान पर हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।